घर वाले इशू पे लेकिन जवाब मलिक देना साहब, चाहेंगे आपने जी? देखा, आपने पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी की बात की, और यहाँ पे इनको, एक मेरे भाई को इमरान खान साहब के घर की पड़ी है, उसका मैं जवाब देता हूँ। हमारी बहन पिछले साल की, इस साल की शुरू की बात कर रही है। शुरू में ज़ाहिर है सबको इसकी इंटेंसिटी का नहीं पता था, लेकिन फिर दुनिया ने ये भी देखा कि पाकिस्तान सक्सेस स्टोरी बना। पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क, कोई अल्लाह ताला सक्सेस के स्टोरी करम से बड़े नुकसान से बचा। अल्लाह ताला के करम के बाद गवर्नमेंट के इमरान खान लॉकडाउन साहब की वजह की से और बचा मेरे हुकूमत की भाई। स्मार्ट पॉलिसी, स्मार्ट लॉकडाउन्स का उसमें एक इफेक्ट घर था, का जवाब उसका दे एक दें ताकि हम रोल था, डिफोकस ना हो जाएं। उस पर भी मैं आता हूँ। अब इनको देखें, सबसे पहले तो जुबैर साहब, आप अपने फैक्ट्स दुरुस्त कर लें। सुनी सुनाई जब आप सुनते हैं उसको आप मीडिया पर आके बोलते हैं, फिर आपको हजीमत उठानी पड़ती है। आपके अपने दौर में जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान थे, आप ही के अपने एक ऐसा शख्स जो एफेड्रीन के केस में जेल के अंदर था, उसने इमरान खान साहब के खिलाफ ये पिटिशंस डाली, सुप्रीम कोर्ट तक सारा क्लियर हुआ। 2002 में जब इमरान खान साहब ने ये घर बनाया और लिया, ओ भाई लंदन का अपना 2020 की फ्लैट बात बेच कर रहा के हूँ वो फैसले पैसे की, पाकिस्तान घर देके की आए। 2020 अब के सुने पूरा, रेगुलराइजेशन का उसकी केस कौन क्या बात कर पूरा, रहा है? जिसके ऊपर उन्होंने फाइन अरे भी पड़ी है, वो रेगुलराइजेशन की क्वेश्चन बात भाई कर आप रहे हैं उसका जवाब। सुन लें, पूरा सुन लें सर इस्लाम जी, आबाद सुनाए में जब सुनाए इमरान खान घुमाए साहब ना ने ये घर लिया था, उस सुनाए। जमाने में ये एरिया CDA के नीचे नहीं आता था, ये अलहदा यूनियन काउंसिल थी और आज भी यूनियन काउंसिल है। इसको रेगुलराइज करने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी और इस वक्त भी ये रेगुलराइज नहीं हुआ। इसमें कंडीशन है कि जब मास्टर प्लान अप्रूव होगा उसके बाद होगा। जिस जमाने में इमरान खान साहब ने ये लिया था उस जमाने में CDA के नीचे नहीं आता था। अगर तो फिर कोई घर भी बनाया क्यों था इररेगुलरिटी जब सीडीए होती, के नीचे नहीं ये आता था? इनकी अपनी किसके नीचे हुकूमत के आता था? 5 साल गुजरे, घर इन्होंने बनाना शुरू कर अपना दिया। सारा जोर लगा लिया, सब चीजें देख ली, ओ सुप्रीम भाई, तो कोर्ट ऑफ फिर किसके पाकिस्तान नीचे में आता था कोई बता कोई देना। बॉडी तो होगी उसके जो क्लियर हुआ, नक्शा वगैरह अप्रूव करती होगी। अगर देखिए मलिक सीडीए के साहब, नीचे नहीं आता था मैं तो ये किसके समझता नीचे हूं आता था? कि घर इस क्यों तरह की बनाना चीजें शुरू कर उठा दिया था? के, इस तरह की चीजें, मैं जुबैर साहब से ये पूछना चाहता अली हूं, इमरान खान साहब अली को अली अपना मुझे फ्लैट बता के देना, आपने कहा पैसे जो सीडीए के अपना नीचे नहीं फ्लैट आता था बेच तो किसके पाकिस्तान नीचे से आता है, था? आपके आप लीडर अप्रूव ने, नहीं एक कर मिनट, सकते, एक और मिनट, नुकता भी उठाना आपके चाहते हैं। लीडर ने तो ये कहा था कि मेरा पाकिस्तान से बाहर, क्या पाकिस्तान हमारे के अंदर लीडर कोई को छोड़ प्रॉपर्टी देना, हम नहीं है? रोज जवाब देते हैं, अपने मरियम लीडर नवाज का साहबा जवाब ने कहा देते। था, क्या राय आपके बारे में, अब जो प्रॉपर्टीज भाई निकली हैं, क्या आप मरियम मुझे नवाज ये साहबा बताएं को कि माफी उन्होंने नहीं घर मांगनी चाहिए बनाना कौम क्यों से, शुरू किया था? हर्जा सराई करने पे, गलत बयानी अच्छा करने तो पे, आपके पास यहां जवाब पे नहीं है ना? पाकिस्तानी कौम की अपने जानी लीडर बचाने की की बात हो रही है ये और हरकत पर आपको आपके एक पास कोई वो जवाब घर नहीं है याद ना? आ रहा है जो आप 5 साल आपके पास कोई अपनी जवाब नहीं भरपूर है ना? अपने कोशिश लीडर करने की के हरकत बावजूद पर इमरान खान साहब मतलब के कोई खिलाफ शर्म होती एक है रुपए यार? ना करप्शन के, मतलब घर ना बनाना ना वजीर टैक्स आजम स्टोरी बने हुए के, हैं, रियासत ना मदीना का किसी नाम इस्तेमाल आपने करते हैं, आई एम इलीगैलिटी का उनके सॉरी, खिलाफ ही निकाला। शुड बी अशेम्ड 5 साल ऑफ आपकी हिमसेल्फ, हुकूमत थी, कभी इमरान उनको ये खान नहीं साहब करना चाहिए सुप्रीम था। कोर्ट और गए, पहले रोए सबके नहीं, रेगुलराइज पूरा करवाते फिर साल आप आठ करवाते महीने हैं अपना केस वहां पे लड़ा और वहां से बाकायदा जी। जुबैर उमर साहब, वहां से बाकायदा उनको वो क्लियर होके निकले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, आपके आप लीडर की मुझे तरह सवाल का रिजेक्टेड जवाब नहीं अगर थे दे दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ ये पाकिस्तान ने। आप मुझे जुबैर अगर साहब सवाल कोई का जवाब एक दे सिंपल सा दें, जवाब दे सुप्रीम दें, कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आपके एक लीडर सवाल को का जवाब उनके दे दें ऑर्डर्स के तहत जो कार्रवाई हुई, उनको डिसीट किया गया, अली वो रिजेक्ट हुए, वो डिसक्वालीफाई हुए, और आज ये बात मैं नहीं करता, सर, इस तरह आप दोनों बोलेंगे तो मेरे को समझ आएगा। आप ही के आप साबिक सवाल वजीर तो सुन खजाना लें। से बीबीसी में उनका नुमाइंदा कहता है कि आपके लीडर तो क्रिमिनल है, सर अब उनसे भी एज अ जवाब ले लें। ओ पाकिस्तानी यार सबके वो सर शर्म से मैं झुक उसका गए, जवाब पाकिस्तान सर के मेरे वजीर सवाल का आजम को जवाब दे क्रिमिनल दें, कहा गया, ये आपके आपकी पास जवाब लीडरशिप, है ही ये नहीं, आप आपका सुनना ही नहीं कैरेक्टर। चाहते जुबैर हैं साहब, ये मोड़ा नूर का जो ऑर्डर पास मुझे हुआ है, पता आपको ख्याल में ये इसमें इलीगैलिटी है कोई? जी, आपसे सुन लूं पहले, मोड़ा नूर ये जगह का मैं नाम है, सिर्फ मोड़ा ये कह नूर रहा हूं, बनीगाला वाला, ये इनके मुताबिक CDA उस वक्त के अंडर नहीं आता था बनीगाला, ठीक है? तो इन्होंने घर बनाना किस तरह से शुरू कर दिया था? एक आम पाकिस्तानी से आपने जिस रेगुलराइजेशन तरह का सब लोग प्रोसेस बनाते करवाया हैं, है, पूरा जिनके घर पाकिस्तान आपने तोड़वाने सीडीए के शुरू नीचे कर तो दिए नहीं और आता, बाद में कहा कि कोर्ट रावलपिंडी के जाएगा, नीचे आता था, और उस वक्त बाय द वे उस वक्त कोई कंप्यूटर था ही नहीं, उसके रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइज होते ही नहीं और थे जो भाईजान, खान साहब ने और डॉक्यूमेंट। भाईजान बाय द सर वे, आपकी आपको सब से जो नोट शेयर कर सादिक रहे हैं, रमीन सुप्रीम दिया था कोर्ट ना, वो तक गए साकिब हैं, निसार इमरान खान ने साहब दिया के था। पीछे वहां से साकिब खान साहब निसार क्लियर हो जैसा गए हैं, दो नंबर या चीफ सुप्रीम जस्टिस कोर्ट को आप पाकिस्तान नहीं में मानते, नहीं वो आया आप ऐसे ही नहीं मानते। जब आपको रिजेक्ट साकिब किया जाता ने है, दिया था, डिस्क्वालीफाई साकिब किया निसार जाता है, को आप कहते हैं आपने मुझे नहीं क्यों मानते। निकाला? अच्छा, तो साकिब निसार जजेस भी पीटीआई खराब, का फिर हिस्सा जजों था, के बच्चों साकिब को धमकियां निसार देते पीटीआई की हैं, टीम का हिस्सा फिर इनको था कहते हैं तुम पे जिंदगी तंग कर दूंगा। अगर जब तक आपको एस्टेब्लिशमेंट की जी सपोर्ट होती है, आपको कंधों पे बैठा के रखते हैं, आप कहते हैं जिंदाबाद, आवे आवे मैं जिया कमीशन पूरा करूंगा, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल रोल प्ले नहीं करती, आपको सपोर्ट नहीं मिलती, उसके बाद आपसे पास अलग का नाम अली ले यू आर लें कि वो गोइंग नो बयानियां वेयर, पेश करते हैं जो हिंदुस्तान अली का यू आर जुबैर साहब, गोइंग नो वेयर, दूसरी तरफ आप आप कहते हैं इधर वोट जाते क्यों कभी नहीं उधर दिया, मुझे जाते एक जवाब दिए, मुझे देने एस्टेब्लिशमेंट, अली एस्टेब्लिशमेंट का अली बहाना ना मुझे बनाया एक करें। जवाब आप अली दे ने दें, आज इतना बोलना है कि आप मोड़ा नूर वाला स्वाद आप लोग दोबारा ना कहते हैं दोहराएं। जुबैर साहब, आप लोग कहते हैं वोट को इज्जत दो।